हो जाएंगी। तो हम काम स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जाएगा 1-1 टीस्पून, ठीक है। फिर इसमें चिकन जाएगी 200 ग्राम, पूरा एक फिले है और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया था, ठीक है। वो ये जो चिली पेस्ट बनाया था रेड थाई करी पेस्ट का, उसके 3 टेबल स्पून है, मर्जी है ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं 3 चम्मच ले रही हूँ। ये बेजिल है, और ये सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल है, ये लेमन जूस है, और ये कोकोनट म्यूल है, जो कुकूस म्यूल के नाम से मिल्क यहाँ मिलता है, स्वीडिश के नाम से कुकूस म्यूल्क यानी कोकोनट मिल्क। और ये है रेड बेल पेपर, और ये है रेड चिली पेपर, ये स्पाइस नहीं होता, इसको मैं ऊपर से डालूंगी। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें लोग सब्जियां भी डालते हैं, मशरूम्स भी डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, मर्जी है, मगर सिर्फ मैं रेड बेल पेपर डाल रही हूँ, अदरवाइज मैं और कुछ नहीं डाल रही हूँ। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे, अच्छा, फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, सॉरी थोड़ा सा फ्लेम तेज कर लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। कुक करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का जो अपना फ्लेवर कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब ये पक जाएगा, अपना कलर चेंज करेगा अदरक लहसुन को, तो इसमें हम रेड थाई करी पेस्ट डालेंगे, ठीक है। कोशिश ये है कि मैं इसमें कट करके ना वीडियो बनाऊं, मैं पूरी वीडियो आपको दूं एक साथ, कोशिश मेरी यही है। इसको थोड़ा सा मैं सही दिख रहा होगा आपको, आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको जैसे घर में जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं जो घर के लिए खाना बनाती हूँ वही रेसिपी आपको शेयर करती हूँ, कोई एहतमाम नहीं करती हूँ। तो हम क्यों ना हेल्दी खाना हम भी खा सकते हैं, कि हम ये अवेल नहीं कर सकते। देखिए, हर कोई रिच नहीं होता, हर कोई पैसे वाला नहीं होता है, एक मिडिल क्लास की फैमिली भी होती है और हाई क्लास और लोअर क्लास, खैर ये अपने ऊपर मुताबिक होता है। तो हर कोई खा सकता है, चिकन तो ज़ाहिर बात है महंगी हर जगह है, आपको लेते तो हर कोई इंसान क्या करे, तो आप उसको अच्छे से अच्छा वेरिएशन करके खाना बनाए। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है आप वही डालें तो खाना नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। खैर, बातें बहुत मैं कर रही हूँ, मैं अब इसमें रेड थाई करी पेस्ट डालूंगी 3 चम्मच, आपके ऊपर है कि आप कितना डालना। ये रेड थाई करी पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है, रेड थाई करी पेस्ट। अच्छा, कुछ लोग अच्छा, और अब मैं इसमें कुकूस म्यूल यानी कोकोनट मिल्क डालूंगी और फिर उसको मिक्स करूंगी। फिर इसमें नमक जाएगा, क्योंकि सारे स्पाइसेस तो इस करी में मौजूद हैं, ठीक है, इस पेस्ट में, सॉरी। तो इसलिए नमक आप फिर टेस्ट कर लीजिएगा तो आप फिर चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं कोकोनट मिल्क ऐड करूँगी, ये देखें कोकोनट मिल्क ऐड कर दिया है मैंने। इसमें फिर हम अच्छा, अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी, आपके सामने की है, इसको हम थोड़ा कुक करेंगे। इस पर फिर हम 1 कप ऑफ वाटर भी जाएगा, 1 कप, एक यानी 1 कप का 1 कप पानी, 1 कप पानी जाएगा।
अच्छा मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया। अब अच्छा इसमें शुगर भी जाएगी, वैसे तो लोग ब्राउन शुगर डालते हैं, अब हर कोई अवेल नहीं कर सकता। मैं वो खाने आपको बता रही हूँ जो आपके घर में चीज़ें पहले से मौजूद हैं, तो हम उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। यानी अब ब्राउन शुगर भी महंगी ही मिलती है मेरे हिसाब से, तो मैं डाल सकती थी, मगर मैं वो खाने क्यों ना बताऊं जो हर कोई खा सकता है, जो हर कोई घर में। आपको एक कोकोनट मिल्क देके मिल जाता है अमूमन मार्केट में, तो 400 ml इसमें मैंने पूरा डाला है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप 400 ml डालें। मैंने देखा है पाकिस्तान में इसका छोटा वाला पैक मिलता है, स्किन का कोकोनट मिल्क का, तो आप इसका हाफ यानी छोटा वाला केन भी डाल सकते हैं, और दो भी लेंगे तो 400 ही बनेगा। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है 1 कप, और पहले मैंने क्या किया दोबारा बता दूं, 3-4 चम्मच मैंने ऑयल लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सौते किया, उसके बाद मैंने रेड थाई करी पेस्ट जो आपको मैंने रेसिपी दी थी उसको बनाया, उसके बनाने के बाद मैंने इसमें कोकोनट मिल्क ऐड किया। कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया और चिकन डाल दी। चिकन को मैंने कुक कर रही हूँ, इसको हमें मैक्सिमम कुक करना है 8 to 10 मिनट्स, ठीक है। और इसमें मैं नमक अभी ऐड कर दूंगी ताकि जितना आपको चाहिए, और इसे हम बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करेंगे, और उसमें जो ये चिलीज़ हैं ये मैं एंड में डालूंगी, यानी 5 मिनट पहले मैं, यानी 8 to 10 मिनट्स का जब इसका वक्फा होगा उसी के बीच में मैं 7-8-6 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ताकि वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, देन फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दूंगी। तो नाजी नजात अभी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपके सामने ही क्यों ना बेल पेपर डालूं ताकि जो चीज़ हो आपके सामने हो। अभी इतना पानी है, अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा इसका थोड़ा सा टेक्सचर, बहुत पतला भी नहीं होगा बहुत गाढ़ा भी नहीं होगा, नॉर्मल। तो अब मैंने इसमें नमक तो डाल दिया था अपने हिसाब से, अब मैं इसमें 1.5 चम्मच बेजिल डालूंगी, ये बेजिल ड्राई बेजिल, अमूमन तो लोग इसे फ्रेश बेजल्स डालते हैं मगर फ्रेश बेजल्स तो अवेल नहीं हो सकते, मुझे भी अवेल नहीं हुए मगर मैंने ढूंढे नहीं, झूठ की बोलूँ तो मैं, और वैसे भी जो चीज़ वहाँ नहीं मिल सकती तो मैं वो खाना बना ही नहीं रही जो चीज़ मेरे फ्रेंड्स को नहीं मिल सकती। अब इसमें मैं बेल पेपर डालूंगी, और वो जो रेड चिली मैंने इसको छोटी छोटी कट करके रखी थी वो डाल दूंगी ताकि ये भी अपने हिसाब से कुक हो जाए, और फिर एक मज़ेदार सा रेड थाई करी पेस्ट और रेड थाई चिकन करी इन लोगों के नाम भी वो तैयार हो जाए। अच्छा इसमें अब जाएगी शुगर। अच्छा ये मैं बनाती रहती हूँ इसलिए, और मैंने बहुत दफ़ा खाया है तो इसमें आप यकीन जाने बहुत मज़े का लगता है। अच्छा ये लेमन जूस जो है एंड में जाएगा, अभी नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सा फ्लेम, इसको हम 4-5 मिनट वॉक कुक करेंगे। जैसे ही ये, अच्छा लेमन जूस मैं आपको डाल के दिखाऊंगी, फिर इसको कुक करेंगे 2-3 मिनट, फिर मैं इसे आपको सर्व करके बताऊंगी कि ये लास्ट में कैसा लग रहा है। अच्छा इसकी कुछ शक्ल ऐसी आ गई है, ये इसका कलर ऐसा हो गया रेड रेड, और अब इसमें मैं ये लेमन जूस ऐड कर रही हूँ आपके सामने। टेबल स्पून, और इसको हम 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे और इसे फिर सर्व करेंगे विद बॉयल्ड राइस के साथ। अभी थोड़ा पतला है, खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा, ये बहुत गाढ़ा नहीं होता, ये करी होती है, करी का मतलब वही सब नाज़रीन से जानते ही होंगे। ये बिल्कुल रेडी है, बस थोड़ा सा और कुक करूँगी, और थोड़ा सा और कुक करने के बाद मैं फिर आपको इसमें सर्व करके बताऊंगी विद बॉयल्ड राइस, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। फिर एक नई रेसिपी जो मेरे घर में बनेगी मैं उसको शेयर करूंगी, चाहे वो कुछ भी खा रही हूँ मैं, कुछ भी बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और उसमें कुछ ना कुछ वैरायटी लेती हूँ मैं, तभी ये यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आके खड़ी हुई हूँ, वरना ऐसे कोई नहीं आता। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि भाई जो इंसान
सबका दिल चाहता है घर में बना के खाए और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी ना हो, उसी रिजनेबल रेंज में उनका हो जाए, तो मैं वो कोशिश करूंगी उस तरह के खाने आप लोग को वही उसी रेंज में आपको मिले। अपनी दुआ में मुझे याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। फिर से शाबान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और फिर चलती हूँ इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये रेड चिकन थाई करी बिल्कुल रेडी है और विद बॉइल्ड राइस। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को भी अप्रिशिएट कीजिएगा, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और भी दोस्तों को बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।